तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हम फिर से खेले दुबई वर्ल्ड और इसमें है ना आज हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। और आपको पता होगा मेरे भाई ने देख सकते हो डायमंड माइन कर लिया था लास्ट वीडियो में और उसने ना डायमंड का आर्मर बना लिया, तो वो थोड़ा बहुत इंचेंट करेगा अभी, उसको जो भी इंचेंटमेंट करना है कर सकता है यहाँ पे। तो हमारा देख सकते हो एक्सपी फार्म है और यहाँ पे इंचेंटिंग टेबल है, तो उसको जितना पावरफुल इंचेंटमेंट चाहिए कर सकता है। और मेरे पास भी बहुत लेवल पड़े हैं तो मैं भी इसको थोड़ा हेल्प करूंगा इंचेंटमेंट करने में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लेवल है तो ज़्यादा जल्दी है ना मैं इंचेंटमेंट ले पाऊंगा। और उसके बाद है ना हम लोग एंड में जाकर इसके लिए इलाइट्रा लाएंगे, क्योंकि है ना इसके पास इलाइट्रा नहीं है बेचारे के पास और सिर्फ मेरे पास है, तो इसके पास भी एक इलाइट्रा होनी चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि इसके लिए इलाइट्रा लेके नहीं आ रहा है, तो वो भी ला देंगे, साथ में जाएंगे लाने। और अभी है ना जैसे कि मैंने कहा था कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि देख सकते हो इसका घर नहीं है ये वाले वर्ल्ड में। मैंने है ना अपना एक घर इसको दिया तो है, बट ये खुद का बनाना चाहता है, तो वो बहुत जल्दी बनाएगा। और है ना और भी बहुत कुछ करने वाला है, देख सकते हो पीछे मैंने ये क्या नाम है इसका, शायद बीन, एक मिनट, कोको बीन शायद नाम है, तो मैंने ये उगाया है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ कुकीज या फिर कुछ बनाऊँ, बट वो सब बाद में देखेंगे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते, बहुत कुछ करना है इसको हमको। इससे पूछते तुझे ना इंचेंटमेंट करना है ना अपने आर्मर को। हाँ, अभी मेरे को नेदर एज में मिलाने का तो इंचेंट करना ही हुआ, तो इसने थोड़ा बहुत इंचेंट किया, अभी पता नहीं क्या क्या उसमें इंचेंटमेंट लगाए, बट इसको है ना तगड़ा वाला इंचेंटमेंट देंगे हमारी तरह। और इसको है ना नेदर राइट इनगेट भी लगाना है, इसके पास पड़ा है तो बाद में तो देख सकता है। इधर मैं तेरे को बता देता हूँ, तो ये हमारा एक्सपी फार्म है इधर सामने, वहाँ से तेरे को एक्सपी निकालनी है। और यहाँ इसमें बहुत सारे बुक्स पड़े होंगे, देखता हूँ, ओके, तीन ही बुक्स पड़े। तो यहाँ वहाँ पे कहीं पे लेदर होगा तो तेरे को बुक्स बना लेना है, और पेपर तो तुझे पता है, और लैपिस तो तुझे पता है वो हमने ना कलेक्टिंग वाले में रखा है, तो वहाँ से ला के तेरे को तगड़ा इंचेंटमेंट करना है। और मेरे पास भी बहुत सारे लेवल है, जब तेरे को कोई इंचेंटमेंट दिखेंगे तो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए ले लूँगा। तो तू अपना काम कर, अभी है ना मैं अपना काम करता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं उसको थोड़ा सा लेदर्स लेके बुक दे देता हूँ, मतलब लेदर्स तो उसमें पड़े, मैं है ना यहाँ से पेपर्स ले लेता हूँ, क्योंकि ओके हाँ मैं एंड से भी पेपर लेके नहीं आया हूँ, बहुत ही मतलब गलत बात है। तो वो ले, सॉरी पेपर्स नहीं, बुक्स कहने का, मैं भी क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने लेदर्स किस में रखा है मुझे याद करें तो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरे पास बहुत लेदर थे और शायद मैंने यहीं कहीं रखा है। तो पहले उसको ढूंढ के मैं उसको दे देता हूँ, वो अपना बुक बना के इंचेंटमेंट करेगा। और मेरे पास भी बहुत सारे एक्सपी लेवल पड़े, तो मैं है ना उसको थोड़ा बहुत दे दूँगा, मतलब एक्सपी यूज़ करूँगा उसको ना आर्मर तगड़ा करने के लिए, नहीं तो मेरा आर्मर पावरफुल होगा और उसका पावरफुल नहीं होगा, तो आप लोग कहोगे कि आप उसको पावरफुल नहीं बना रहे हो, तो उसको फटाफट से पावरफुल बना देंगे। अभी देखते हैं लेदर्स किधर, तेरे को कहीं पे दिख रहा है लेदर्स? हाँ मैंने ले लिए। ले लिए, ले मैं तेरे को थोड़े से पेपर्स देता हूँ, और ये पेपर से जितने बुक बनते हैं बना ले और इंचेंटमेंट कर, और ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को बताना आप। चलो गाइस, मैं थोड़ा सा ना इलाइट्रा यूज़ करके आपको थोड़ा वर्ल्ड दिखाता हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अभी तक हमने ना जितना किया वो छोटा सा दिखाता हूँ, एक मिनट भी नहीं लगेगा, बस एक छोटा सा टूर। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। तो ये हमारा आयरन फार्म है यहाँ पे, और ये हमारा फार्म है नॉर्मल, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे फार्म है, और ये हमारा क्या बोलते हैं एक टाउन हॉल है, टेक्नो गेमर्स जैसा ही सेम है, और ये बिक्सू जैसा कह सकते हो, और ये हमारा बहुत ही पावरफुल एक क्या बोलते हैं इसको मॉब फार्म कह सकते हो, क्योंकि एक्सपी तो मिलता नहीं है, गोल्ड फार्म है जिसका यूज़ तो करते नहीं। यहाँ पे भी एक क्रीपर फार्म है, ये हमारे रेंज से बाहर है ना तो शायद वर्क नहीं करता। और ये बीकन, इसका पावर बहुत लोग कहते हैं कि पावर लो बीकन का, तो मैं इस बीकन का पावर इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो है ना आपको पता होगा गोल गोल आने लगता है ना, इफेक्ट आने लगता है, तो काफ़ी मतलब बेकार लगता है। और यहाँ पे हमको इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए रहने देते। अभी ना देख सकते हो मैंने कहा था इसको हम डायमंड का करेंगे, तो बहुत जल्दी मैं और मेरा भाई साथ में डायमंड माइनिंग पर जाएंगे, जिससे कि बहुत जल्दी डायमंड हमको मिल सके। अकेला माइन करूँगा तो टाइम लगेगा, दो साथ में माइन करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास मैंने कहीं पे डायमंड रखे, तो देख सकते हो ये मेरे एक मीठा, मेरे तो 8 डायमंड थे, ये 10 डायमंड कहाँ से आ गए, एक मीठा मैंने मेरे 8 थे, मैंने कहीं तो रखा था शायद से अपने और इसमें रखा था मैंने, तो इसमें तो डायमंड नहीं है, एक मिनट, तो शायद इसमें रखा था। तो देख सकते हो मेरे 8 डायमंड, तो वो किसके डायमंड है, एक मीठा सच में, ओके ये 10 और ये 8, तो ओके आई थिंक मेरे भाई के डायमंड है, उसने माइन किए होंगे तो उसने वहाँ पर रख दिए होंगे। तो एक मिनट मैं ये 8 डायमंड को ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं है ना इस डायमंड को लूँ या ना लूँ उससे पूछ, एक मिनट नहीं पूछ, अरे यार चोरी हो जाएगी ये, तो उससे पूछना पड़ेगा एक मिनट। तो वो अपना काम कर रहा है वहाँ पे, इंचेंटमेंट्स कर रहा है, तो ओके उससे नहीं पूछता, मैं चुपके से ले लेता हूँ, आप में से कोई भी मत बताना कि मैं उसका डायमंड ले आऊँ, तो वो अभी सुन नहीं रहा है, तो इसमें से हम डायमंड ले लेते हैं। और अगर डायमंड लेके मैं कहीं पे चेस्ट में रखूँगा तो उसको है ना डाउट हो जाएगा, और एंडर चेस्ट में तो मैं शायद डायमंड लेके नहीं घूमता, तो एक काम करता हूँ मैं ना चुपके से इसका ब्लॉग बना लेता हूँ, और आप में से कोई भी मत बताना उसको कि मैंने ऐसा कुछ किया है, ऐसा चीटिंग नहीं चलेगी, मत बताना। और इसको है ना मैं यहाँ बीकन में लगा देता हूँ, मैंने उसको कहा है बीकन में से ना एक भी डायमंड तेरे को नहीं लेना है, तो यहाँ पे मैं बीकन में लगा देता हूँ, जिससे उसको पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे पहले से ही था, तो ओके मैंने उसके 10 डायमंड ले लिए, भाई गलत है बट कोई बात नहीं, उसको पता नहीं चलेगा, जब तक पता नहीं चलेगा कोई टेंशन नहीं, ओके आप में से कोई भी मत बताना जैसे कि मैंने कहा।
तो देख सकते हो बस एक और मिलता तो ये लेयर पूरा हो जाता, तो काफ़ी सही है। अब एक काम करता हूँ और ये एक मिनट, अगर इसने ना ये ब्लॉक देख लिए तो उसको डाउट हो सकता है, तो ये ब्लॉक को भी मैं ना फटाफट ठिकाने लगा देता हूँ, मतलब फेंकना नहीं है, हमारे ये कलेक्टिंग वाले बॉक्स में डाल देना है ताकि यहाँ पे पड़ा रहेगा। और आयन की तो भाई कमी नहीं है, एक काम करता हूँ आयन का मैं कोई कैसल वैसल टाइप कुछ बना सकता हूँ, देखते इसमें ही आ रहा है ना। ओके तो देख सकते इसमें आ रहा है, काफ़ी सही बनाया। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये वर्क नहीं कर रहा, ऐसा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, मैंने एकदम अच्छे से बनाया और हर एक टेस्ट किया, हर एक चेक किया, सब सही से वर्क करता है। और इसके अंदर गोल्ड, ओके गोल्ड हमारे पास, एक मिनट मैं गोल्ड लाया था पिछली बार हम नेदरराइट की माइनिंग करने गए थे तो बहुत सारे गोल्ड भी मिले थे, तो ओके शायद से नहीं है हमारे पास। और हाँ अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ओके यहाँ पे मेरे भाई का पड़ा, एक मिनट, नहीं मैं इसको चोरी नहीं करूँगा, नहीं तो बेचारा इतना मेहनत किया है वो वेस्ट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना नेदर ब्रिक है, तो ये मैं इसलिए मतलब कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको कैसल भी बनाना है। बहुत लोग कह रहे हैं कैसल बनाओ, तो हम कैसल कहाँ पे बनाएंगे अभी डिसाइड तो नहीं किया, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कैसल बनाने के लिए जितना सामान चाहिए ना बहुत टाइम लगता है, उसको रहने देते हैं। और भाई देख सकते हो यहाँ पे, अभी ना मुझे बार बार यहाँ पे आना नहीं चाहिए, नहीं तो है ना डाउट भी हो सकता है। वैसे चलो उसकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, कोई देखते क्या इंचैंटमेंट्स मिल रहा है, मेरे पास भी तो काफ़ी सही लेवल है। और ना मेरे को शायद दो इंचैंटमेंट टेबल बनाना चाहिए था, शायद से ना दो इंचैंटमेंट टेबल होता है ना तो उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट आता है मेरे ख्याल से, क्या बोलते वो, एक मिनट मैं बताता हूँ, इंचैंटमेंट सब अलग। तो एक मिनट मेरे को, ओके यहाँ पे है ना, ओके बुक्स है तेरे पास तो मुझे आधे बुक्स दे दे यहाँ पे। हेलो सुन रहे ना? हाँ पाँच दे दिए। पाँच दे दिया, ओके चलो। और लैपिस भी दे दे, लैपिस, लैपिस है तेरे पास? कितने लैपिस है? 35 है। तो रहने दे, मत दे, मैं वहाँ से लेके आ जाता हूँ। ओके तो शायद से उसको कुछ पता नहीं है गाइस, सही है। चलो हम अभी चलते चुपके चुपके उसकी हेल्प करने का नाटक करते, पता नहीं उसने सारे के सारे डायमंड वहाँ पे क्यों रखे थे, बट हमारा फ़ायदा हो गया। चलो और कोई नहीं बताना, जैसा कि मैंने कहा था आप भी भूल जाओ मैं भी भूल जाता हूँ, हमको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब भूल गया मैं तो। चलो अब मैं बात ही नहीं करूँगा ये टॉपिक पे ऊपर। Few inches later. ओके तो नाइट होने लगा, मैं यहाँ पे आया था अपना ये लेने ब्लेज रॉड। आप सोचोगे ब्लेज रॉड का क्या करूँगा, तो आपको मैं चीज़ बताता हूँ, शायद आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, पता नहीं, लेकिन अभी है ना आप शायद जान जाओगे पहली बार, अगर आपको पता होगा तो काफ़ी सही बात है। मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या बातें कर रहा हूँ मैं, अभी है ना मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं है ना कॉरस फ्रूट लाया था, जिसको ना अगर आप फर्नेस में ना स्मेल्ट करोगे तो पॉप कॉरस फ्रूट मिलता है, तो अभी देखते हैं यहीं कहीं पड़ा होगा, देख सकते 64 है। अब मैं बताता हूँ इसके आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ और इससे ना आप ये नेदर, सॉरी एंड सिटी में जो ये ब्लॉक होते हैं ना ये बना सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप है ना एक मिनट देख सकते हो ब्लेज रॉड के साथ कंबाइन करो ना तो आप ये एंड रॉड बना सकते हो, जो काफ़ी अच्छा लाइट का सोर्स है। और मैं इसको थोड़ा सा मैं इसीलिए तो लाया था, इसको बनाने के लिए ही लाया था, तो आई थिंक 64 इनफ है और बाकी के रख देते 16 से 64, मतलब मैं 4 स्टैक बना सकता था, काफ़ी ज़्यादा सही है, तो अभी मेरे को जरूरत नहीं होनी यहाँ पे। अभी ना देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, बट क्या है कि नाइट विजन का पैक है ना हमारे पास, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता नाइट। ओके यहाँ पे क्रीपर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा मुझे यहाँ से स्किप करने, तो ये क्रीपर को मैं नहीं फटाना चाहता और हमको सोना चाहिए। मैं उसको कह देता हूँ कि चल के सोते हैं, तो सुन एक मिनट मैं उसके पास ही जाता हूँ क्योंकि अभी मैंने वॉइस चैट बंद किया है, क्योंकि वो हमारे सारे जो भी हम चीटिंग कर रहे हैं वो तो पता नहीं चल जाए ना, इसीलिए तो इसको मैं कहता हूँ। तो सुन सोना है, सोना है, ओके बेड ले लिया ये पहले, बहुत ज़्यादा समझदार है मेरा भाई। तो अभी ना यहाँ पे मैं बेड लगा के सो लेता, कोई मॉब नहीं आ रहा है ना, काफ़ी सही है, और इसको कभी पता भी नहीं चलना चाहिए। तो चलो अब मैं है ना एंड रॉड तो बना दिया, बट कहाँ लगाना है मैंने अभी सोचा नहीं, उसको मैं बाद में लगाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या हमको इंचैंटमेंट मिलता है। फॉर्चून टू शायद से किसी काम का नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं इसको हटाता हूँ, अब देखते क्या मिलता है, कोई तगड़ा मिल जाए ना इसके लिए। सील टच भी किसी काम का नहीं है, तो सील टच को हटाते हैं। अभी कोई ओपी मिल जाए ना, जैसे कि प्रोटेक्शन, ओके पावरफुल, उसके बो के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा, तो मैं पावरफुल ले लेता हूँ। और कुछ देखते हैं मेरे पास, अच्छा इतना सारा लेवल है। स्माइट तो उसको शायद ज़रूरत नहीं होगा स्माइट का, स्माइट वैसे भी वो यूज़ नहीं करता, तो अभी देखते हैं कि है ना क्या मिलता है हमको। इम्पेलिंग फोर, तो ट्राइडेंट, ओके शायद उसको फ्यूचर में कभी वो ट्राइडेंट ढूंढेगा तो काम आएगा। अब एक काम करते हैं, जो जो बेकार है उसको मैं डिसइंचेंट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने बहुत अच्छे तो नहीं बट काफ़ी सही से इंचैंटमेंट्स मैंने ढूंढ लिए उसके लिए। और यहाँ पे भी हमारा एक मिट्टी है, तो कमाल का, ये देख सकते हो ये मेरी एक पिकैक्स है जो मैं इसको दे सकता, सॉरी एक्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही होगी इसके लिए। और एक काम करता हूँ मैं एक बो इंचैंट करता हूँ इसके लिए, क्योंकि क्या पता बो में कुछ एपिक चीज़ मिल जाए, तो यहाँ पे बो रख के इंचैंट करते बिना देखे। तो पावर फोन मिल चुका है तो इसके लिए काफ़ी सही है, तो एक मिनट मैं इसको वॉइस चैट पे लेता हूँ। तो ओके तेरे पास बो है? बो सुन, नहीं अभी तक तो नहीं है। तो तेरे पास बो का कोई इंचैंटमेंट है? क्योंकि मेरे पास पावर 4 की बो है और यहाँ पे एक इन्फिनिटी भी पड़ा है मेरे पास, रुक मैं अभी तेरे को बना के देता हूँ। तो ये पावर 4 का बो और पावर 5 हो जाएगा ये इन्फिनिटी। तो फ्लेम वो सब तो नहीं है बट इतना सही होगा। पंच 2 भी है मेरे पास, प्रोटेक्शन 3 है इसमें लेकिन। तो ये ले मैं तेरे को, एक मिनट मैं तेरे को बना के देता हूँ एक तगड़ी बो। तो
तो यहाँ पे एक मिनट ये पड़ा है, तो इसमें क्या लगा, इसमें इन्फिनिटी लगा है, तो इन्फिनिटी लगाते हैं। और पहले है ना पावर 4 और इसको में है ना एक मिनट, तो क्या बन रहा है एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये है पावर पंच टू, इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ और इसको है ना बो के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये पावर 5 इन्फिनिटी पंच टू मिल गया। खाली है ना इसमें एक फ्लेम बाकी और अनब्रेकिंग, तो ये ले तेरी तगड़ी बो। और एक एरो है तेरे पास? एरो नहीं, तो ये ले मैं है ना तेरे को 4 एरो देता हूँ, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी लगा ना, तो तेरे को है ना एरो की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 4 ले ले तू। तो अभी तेरे पास तगड़ी बो भी हो चुकी है और स्वॉर्ड तो तूने मेला लिया ही था, तो अभी जो भी तेरे है ना आर्मर में क्या प्रोटेक्शन लगा है मुझे बता। एक मिनट सारे आर्मर मेरे को फेंक के दे, मैं चेक करता उसमें क्या क्या लगे। तो चेक करते ओके कहाँ पे आ जा इधर। तो अभी देखते इसके आर्मर में क्या क्या पावर लगी है। तो इसमें लगा है बहुत ही बेकार इंचेंटमेंट, आप देख सकते हो इसमें से ये प्रोटेक्शन है और इसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन है, इसमें कुछ सही नहीं है, बट कोई बात नहीं इसको हटा देंगे। और इसमें डेप्थ स्ट्राइडर है, तो ठीक है। अभी अभी कहाँ गया तू यार यहाँ पे? अभी तेरे लिए एकदम सही है, लेकिन थोड़ी देर बाद तेरे को तगड़ा मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले। एक हाई लेवल का तुझे आर्मर बना के दूंगा। और ये क्या बूट मेरे पास कहाँ से आ गया? सब मेरे पास वापस क्यों आ रहा है यार? तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, कलेक्ट कर और पहन ले। तो इतना फ़िलहाल तेरे लिए इनफ है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसकी ज़रूरत ही क्या है अभी। तो ओके चलो गाइस, तो मैंने इसके लिए एक ठीक ठाक बो तो बना दिया। एक मिनट एक शॉट मार, एक मिनट मैं पहले ना आर्मर पहन लेता हूँ, क्या पता डैमेज। एक शॉट मार मेरे को, तेरे को भी डैमेज हुआ ना? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ होगा क्योंकि थोंस लगा ना। ओके अब मत मारना, एक आर में डैमेज होएगा मेरा ये ख़राब हो जाएगा अभी इंच। ओके हाँ मेरे को एक ये देख सकते हो, मेरी पिकैक्स मैंने माइंड किया था तो एकदम हालत ख़राब हो गई। सबसे पहले ना मैं इसको रखता हूँ, अबे ना मैं इस पिकैक्स को थोड़ा सा रिपेयर करता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है। ओके इसके अंदर शायद से नहीं है, तो है ना मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करता हूँ, और यूज़ करने के बाद थोड़ा सा अपना है ना इसको रिपेयर करता हूँ। क्या नाम है, एक मिनट पिकैक्स कहाँ चली गई? तो बहुत ओके किसी ने मेरे को अटैक किया शायद से। ओके पता नहीं इसको डैमेज हुआ या अटैक किया, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो मेरे को है ना पहले सबसे पहले एक मिनट इसमें आ क्यों नहीं रहा? ओके हाँ यार ये चालू है, इसको पहले बंद करता हूँ मैं। तो चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा निकालता हूँ, और ओके आधा रिपेयर हो गया एक ही बार में, तो इसलिए तो ये एक्सपी फार्म बहुत ही ज़्यादा एपिक लगता है मेरे को, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी रिपेयर कर देता है। और भी रिपेयर हो चुका है। ओके आर्मर रिपेयर हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ओके ये बेकार में अटैक क्यों कर रहा है। तो इतना रिपेयर काफ़ी सही है, इसको अभी रहने देते हैं, और ये जितने भी मिले इसको मैं अभी रख देता हूँ। तो तेरे को जो भी काम है अपना तू कर सकता है, चले जा अब यहाँ से। ओके तो मेरा भाई जा चुका है, देख सकते हो लेफ्ट द गेम। तो उसको अभी अपने वीडियो की तैयारी करनी है, तो उसको जाना पड़ा अभी। तो अभी गाइज आप में से कोई भी मत बताना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको एक और बार बता दूँ, क्योंकि उसको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो फिर हमारा चोरी करने लगेगा, तो सीक्रेट रहेगा आपके और मेरे बीच में। चलिए गाइज आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh.